वैश्विक तापमान वृद्धि, भारत में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने तथा युवा पीढ़ी को अधिकाधिक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करने के लिए आज ही सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कर्नल बलदेव सिंह मानो ने 2 अगस्त से जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करने का निश्चय किया है। कर्नल बलदेव सिंह ने बताया कि मणिपुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि जिन पहाड़ों पर 6 से 7 फीट बर्फ की परत ढकती है, आज वहां पर पेड़ों की कटाई के कारण भूस्खलन की समस्या आ गई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के परिणाम हम विगत में भुगत चुके हैं और 2 दिन पहले केरल के वायनाड का दुखद दृश्य हमारे सामने है। इंसान को सचेत होना पड़ेगा, आज के स्वार्थ को त्यागना होगा, अन्यथा भविष्य प्रकृति के इस उबाल में नष्ट हो जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि वे सेवानिवृत्त के दिन ही ये प्रण ले रहे हैं कि मुझे घर बैठने के बजाय इंसान को संरक्षण देने वाले प्रकृति के लिए काम करना है। इस अवसर पर विश्व रिकॉर्डधारी साफा मैन चंदन सिंह इंदा ने कर्नल बलदेव सिंह मानव का सभी की ओर से अभिनंदन किया। डॉक्टर बीएल जाखंड ने संयोजक के रूप में भूमिका निभाई। गैर संगारी संगठन एनसीसी, स्काउट व शासन से आए कुछ संभागियों तथा पर्यावरणविद प्रवीण शर्मा की उपस्थिति में पौधारोपण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं जन जागृति यात्रा के पोस्टर का विमोचन भी किया। सब ने यात्रा 2 अगस्त से जोधपुर विश्वविद्यालय से शुरू करेंगे, प्रयास विभाग से जो कैंपस से सुबह 8 बजे शुरू होगी और ये 14 दिन तक चलेगी। 15 अगस्त को मेरे पितृक गांव भागोड़े देवगढ़ चलने की समाप्त होगी। ये 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और इसके अंदर टोटल हमने 11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। आपके सहयोगी कौन कौन है इसमें? हमारे सहयोग केंद्र में बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, NCC हैं और बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज वगैरह सहयोग। आप आज ही सेवानिवृत्त हुए हैं और फिर आपने ये मुहिम चलाने का जज्बा क्यों शुरू किया? ये जज्बा मेरे कई सालों से, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि 2009 से लेकर 2012 मैं असम में पोस्टेड था और अरुणाचल प्रदेश में हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी। वहाँ जब गए वहाँ पे जिस दिन चर्चा में एक्सरसाइज एरिया में रहते थे तो लोकल लोगों से बातचीत करते थे। वहाँ मुझे पता लगा कि जिन टोपियों पर हम बैठते थे, चोटियों पर बैठते थे, उनमें 40-50 साल पहले 10-10 फुट बर्फ हुआ करता था। तो लोगों ने बोला कि ये तो बर्फ़ खत्म हो रहा है, हमारे घर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। उस समय मेरी एक तरह से जागरूक, एक तरह से उत्सुकता जागरूक हुई। मैंने पर्यावरण के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मेरा एक इंटरेस्ट जागृत हुआ। और फिर मैं 3 साल वहाँ पे 9 लोअर आसाम के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कंपनियाँ का बटालियन जहाँ डिप्लॉय करती थी, वहाँ पे लोगों से, स्कूलों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ मिलकर के हमने तकरीबन 4 लाख पौधे लगे। तो ये मेरा एक इंटरेस्ट जागृत हुआ और उसके बाद मैं कंटिन्यू हुआ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ मौका मिलता है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से पौधे लगाता रहता हूँ। नहीं, आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं, होते ही कल से आप यात्रा पे जा रहे हैं। सामान्य तो लोग रिटायरमेंट के बाद में कुछ दिन अपना जीवन आनंद में ही गुजारते हैं, तो 300 किलोमीटर कठिन यात्रा आप शुरू कर रहे हैं कल से, इसको लेकर बताइए कैसा अनुभव रहेगा? मैंने 2 साल पहले यहाँ जब आए थे तो ये पौधे तो लगाते रहते थे। NCC के अंदर में भी हमारे पास में दूसरे NGOs आते हैं, हमारे पास क्रेडिट होते हैं, मैन पावर होती है, तो NGOs हमारे से अप्रोच करते हैं पौधे लगाने के लिए। तो हम जोधपुर में भी खूब सारे पौधे लगाए और आसपास के गाँव में भी जहाँ पे हमारे NCC के इंस्टीट्यूशन है वहाँ लगाए। मेरे मन में आया कि मैं धरती माता को रिटायर होने के बाद में क्या दे सकता हूँ, ये पर्यावरण को या हम प्रकृति को वापस क्या दे सकते हैं। तो मैं मन में आया कि मैं 11,000 पौधे लगा करके मैं अपने गांव की ज़मीन के अंदर प्रवेश करूँ, ये मेरे तरह से मन में आया। तो उसी टाइम से मैंने संकल्प लिया था, उसी संकल्प के तहत मैं 2 तारीख को यात्रा शुरू कर रहा हूँ और गाँव की ज़मीन के अंदर मैं 11,000 पौधे लगा करके प्रवेश करूँगा।